घंटों में खुलासा किया है। मां के इस शव को बोरी में बांधकर फेंकने वाला आरोपी पुत्र गिरफ्तार हो गया है। 21 फरवरी 2020 को रामनगर चौकी खंडवा पर सूचना मिली थी कि नाले के पास बोरी में अज्ञात महिला उम्र करीबन 55 वर्ष का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर मर्ग कायम कर पुलिस जांच में जुट गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम गठित की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज एवं पूछताछ पर अज्ञात मृतक की शिनाख्त विमलाबाई पति मधुकर पाटिल उम्र 50 वर्ष निवासी बोधरली थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर निवासी साईनगर कॉलोनी खंडवा के रूप में हुई। आसपास पूछताछ करते मृतका के लड़के संतोष पाटिल के साथ किराए के मकान में रहना वह 4-5 दिनों से दिखाई नहीं देना तथा मृतका के मकान में बदबू आना पता चला। इसी आधार पर प्रथम दृष्टया संदेह उसके पुत्र संतोष पाटिल पर हुआ। संतोष पाटिल को सलूजा कॉलोनी खंडवा से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे परेशान होकर आज से 5 दिन पहले सुबह सुबह घर में रखी कपड़े धोने की मोगरी से 8-10 वार करके मार डाला और उसकी लाश को बिस्तर पेटी में छुपा कर रख दिया। आरोपी पुत्र घटना दिनांक से ही फरार हो गया था। दिनांक 20 फरवरी को पुनः अपने घर में आया और उसकी मां की लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से गेहूं की बोरी में भरकर घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नाले के किनारे फेंक दिया गया। साथ ही पकड़े जाने के डर से फरार होकर बुरहानपुर में दिनांक 22 फरवरी को सलूजा कॉलोनी स्थित उसकी नानी सास के घर पर छुप गया था, जिसे मकान मालिक के लड़के की सूचना पर आज गिरफ्तार किया गया है। अंधे कत्ल के प्रकरण का मात्र 6 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक खंडवा डॉक्टर शिवराज सिंह द्वारा नगर पुरस्कार से पुरस्कृत करने की अनुशंसा की गई। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।